ने किस लिए कुर्बानी दी थी? उनका सपना था कि जब देश आजाद होगा, एक गरीब से गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। उनका सपना था कि किसान को उसकी खेतों में फसलों के पूरे दाम मिलेंगे। उनका सपना था कि अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा बिजली होगा, अच्छा पानी होगा। पिछले 70 साल के अंदर इन सारी पार्टियों ने मिलकर इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया दोस्तों। बीजेपी, कांग्रेस, बीजू जनता दल, जितनी पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों ने मिलकर 70 साल में केवल और केवल देश को लूटा है। हमारे बाद इतने सारे देश आजाद हुए, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, जो तहस नहस हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो सारे हमसे आगे निकल गए। हमारा देश आज भी गरीबी के अंदर जी रहा है दोस्तों, और सबसे ज्यादा गरीब उड़ीसा के अंदर रहते हैं। हमारा देश गरीब क्यों है? क्या हम लोग किसी से कम हैं? हम सिंगापुर वालों से कम हैं? हम जापान वालों से कम हैं? हम जर्मनी वालों से कम हैं? मुझे लगता है इंडिया के लोग पूरे दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे मेहनती लोग हैं। 70 साल में हमारी पार्टियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, नेताओं ने और पार्टियों ने मिलकर, इसलिए आज हमारा देश गरीब है दोस्तों।